नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए किए गए अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है। सूबे में माफिया और खाली कराई गई उनकी सरकारी जमीनों पर अब गरीबों को एक आशियाना मिलने जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी और एक बार फिर सीएम ने अपने वादे को पूरा किया है। गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाना देने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में भू माफिया घोषित हो चुके बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से पिछले साल 13 सितंबर को खाली की गई सरकारी जमीन पर अब योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 1.5 साल में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वादा पूरा कर लेगी। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के पहले माफियाओं और बाहुबलियों को सरकारी जमीन खाली करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेश भर में न केवल अभियान चलाया बल्कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर उनके अवैध साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया। प्रदेश के बड़े माफियाओं में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चला है। योगी सरकार ने इन माफियाओं के कब्जे से न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है बल्कि उनके साम्राज्य और आतंक का भी नामो निशान मिटा दिया है। इस बीच सीएम योगी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों को सस्ते दरों पर आवास दिया जाएगा। सीएम योगी के इस आदेश पर अब अमल होना भी जरूरी हो गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लुकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पीडीए ने टेंडर भी जारी कर दिया है। पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक शासन की मंशा के अनुरूप माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई इस भूमि पर 6 करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे। इसकी लागत करीब 7 लाख रुपए होगी, लेकिन योजना में व्यक्ति को 3.5 लाख ही देना होगा जबकि 3.5 लाख सरकार सब्सिडी देगी। पीडीओ उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उनके मुताबिक 28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा और दिवाली के पहले इस योजना का शिलान्यास करा लिया जाएगा। पीडीओ उपाध्यक्ष के मुताबिक 1 से 1.5 साल में लोगों को आवास दे दिया जाएगा। सरकार ने माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को आवास दिए जाने के सीएम योगी के फैसले पर लोग भी खुश हैं। लोगों का मानना है कि माफियाओं से जमीन खाली कराना किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम था, लेकिन योगी सरकार ने मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर न केवल इन जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया बल्कि गरीबों को आवास बनाकर भी दे रही है, जो किसी भी सपने से कम नहीं। हालांकि लोग योगी सरकार के इस कदम की तारीफ तो कर रहे हैं, साथ ही सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।